महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा मुंबईत दाखल झाले. गोरेगाव मधील नेस्को सभागृहात त्यांच्या सभेचं आयोजन करण्यात आलंय. अमित शहा गोरेगाव इथे सभा घेतील. दरम्यान शहा भाजप शिवसेनेवर काही चर्चा करणार का किंवा युतीची घोषणा करणार का याबाबत अनेकांना उत्सुकता लागलीये. शहांची उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक होणार का याबाबतही अनेक अंदाज लावले जात आहेत. मात्र शहा यांच्या दिवसभरातील कार्यक्रमांमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या भेटीचा कोणताही अधिकृत उल्लेख नाहीये. गोरेगाव मधील आपल्या सभेत शहा प्रचाराचा नारळ फोडण्याची देखील शक्यता आहे. या सभेत ते काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावर मांडणी करणार आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा प्रचाराचा मुद्दा करण्यासाठीच हे केलं जात असल्याचंही बोललं जात आहे. जिस प्रकार से महाराष्ट्र में 5 साल देवेंद्र फडणवीस सरकार चली और जिस प्रकार से 5 साल मोदी जी की सरकार केंद्र में चली, भाजपा सरकार चली, इसके आधार पर अभी अभी जो चुनाव हुए इसमें महाराष्ट्र ने अपना मन जाहिर कर दिया है कि महाराष्ट्र में फिर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं. से निकल जाएगी वो काम मोदी जी ने 5 और 6 अगस्त को देश की संसद के अंदर कर भारत के जन जन की आवाज को वाचा देने का काम किया है. मित्रों, आज मैं यहां आया हूं. हम धारा 370 और 35 ए के लिए समर्पित पार्टी के कार्यकर्ता हैं. धारा 370 को हटाना, 35 ए को हटाना, जब से धारा 370 और 35 ए अस्तित्व में आई तब से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया कि धारा 370 और 35 ए भारत के साथ कश्मीर के जुड़ाव में बाधा है. भारत और कश्मीर की एकात्मता और भारत की अखंडता में बाधा है. मुझे कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने पूछा कि कश्मीर आज भी भारत का हिस्सा है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि धारा 370 हटने से ही भारत और कश्मीर हमेशा के लिए जुड़ेंगे. मैं आप सबको बताना चाहता हूं, भारत का कोई भी नागरिक, चाहे कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, बिहार का हो, गुजरात का हो, बंगाल का हो, कर्नाटक का हो, सब कहते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. मुझे बताइए, मुंबई वालों कहते थे या नहीं कहते थे? जरा जोर से बोलो, कहते थे या नहीं कहते थे? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों कहते थे भाई? हमने कभी नहीं कहा कि महाराष्ट्र भारत का अभिन्न अंग है, गुजरात भारत का अभिन्न अंग है, कर्नाटक भारत का अभिन्न अंग है, बंगाल भारत का अभिन्न अंग है. कभी बोलना नहीं पड़ता था. कश्मीर के लिए बोलना पड़ता था क्योंकि धारा 370 बाधा बनकर खड़ी थी, बाधा बनकर खड़ी थी. हर भारतीय जानता था कि जब तक धारा 370 है कश्मीर कभी भारत का अभिन्न अंग नहीं हो सकता. और मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को, उनके साहस को, उनके हौसले को. 305 सीट मिलने के बाद जब नई सरकार हुई, पहला ही सेशन आया, पहले ही सत्र के अंदर उन्होंने धारा 370 और 35 ए को उखाड़ कर फेंक दिया. और आज जो हम सालों से कहते थे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि अब धारा 370 और 35 ए